चलिए सेल में पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो सेल एक लैटिन वर्ड था जिसका मतलब है कि ये अ लिटिल रूम, वो किसने क्वाइन किया था? सेल की टर्म जी रॉबर्ट हुक। वेरी गुड। और इसमें थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना है बच्चों, क्योंकि ये सब अभी पढ़ा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमिएबल, वेरी गुड, सेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल। दूसरा क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ध्यान से पढ़िएगा, क्या कहलाता है? आवाज नहीं आ रही है सुमायरा या आसमा, जो भी आप बोल रही हो, क्या कहलाता है? डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस? जल्दी बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन बी, ऑस्मोसिस, वेरी गुड। अ प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, हैव अ सिंगल क्रोमोसोम, और ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड, ऑल ऑफ द, ओह वेरी गुड, यस, डैश इज ए कोई मुझे बता सकते हैं इसको किस तरह से हटाना है? एक मिनट, मैम आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैम आप म्यूट है सो। मैम आपने अपने आप को म्यूट कर रखा है, मैम आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। I'm sorry. जी, डैश इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। ऐसा कौन सा सिस्टम है जो पैरेलली अरेंज्ड है, उसको हम सिस्टर्न्स बुलाते हैं? याद है कुछ? मैम ऑप्शन ए, मैम ए, मैम एक को आप अनम्यूट के लिए कर दो। वेरी गुड, गोल्जी अपरेटस, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट आर प्लांट पिगमेंट्स विच गिव्स ग्रीन, नॉट ओनली ग्रीन, मैम
मैंने कहा था क्रोमोप्लास्ट जब ग्रीन देगा जब इसमें क्लोरोफिल ऐड किया जाएगा। और प्लीज इसमें बेटा चैट में ना डालें, मुझे बार बार स्कोपिंग करना पड़ता है। माइक अनम्यूट करके बता दूं, क्रोमोप्लास्ट और प्लैन जी उनका माइक, मैम आपने उनका माइक म्यूट कर रखा है, का वो चैट में ही लिखी थी। मैंने म्यूट कर रखा है, इनको चैट में ये लिख रही है मैम, प्लीज हमें अनम्यूट कर दीजिए। हो गया, ओके। क्रोमोप्लास्ट और प्लांट पिगमेंट्स विच गिव्स ग्रीन कलर, नो कलर, कलर अदर देन ग्रीन और ऑल ऑफ द अबव। देखिए बेटा, अगर क्रोमोप्लास्ट में मैं क्लोरोफिल ऐड कर दूं तब तो ये ग्रीन कलर देगा, अदरवाइज इट विल गिव कलर अदर देन ग्रीन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, हैव देयर ओन डीएनए, हैव देयर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल और ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी, ठीक है, वेरी गुड। लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल बिकॉज इट कॉजेज एनी सेल टू कमिट सुसाइड, इट इट्स एंजाइम डाइजेस्ट द सेल इटसेल्फ, इट किल्स सराउंडिंग सेल्स, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, वेरी गुड। ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, सिर्फ अपने सेल को डाइजेस्ट कर लेता है ये पूरे, क्योंकि इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ओके, द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज दैट प्लांट सेल हैव सेल वॉल व्हिच एनिमल सेल्स डू नॉट, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव वैक्यूल व्हाइल एनिमल सेल्स डू नॉट डू हैव। कौन सा ऑप्शन, देखिए पहला ऑप्शन तो सही है, प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल्स के पास नहीं होती, ठीक है। दूसरा क्या ऑप्शन है, प्लांट सेल्स के पास वैक्यूल नहीं होती, तो अलग हो गया। हमने पढ़ा है कि प्लांट सेल के पास सबसे बड़ा वैक्यूल होता है, तो हमारा प्लांट ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है प्लांट सेल हैव ओनली सेल मेम, हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन व्हाइल एनिमल सेल हैव बोथ सेल वॉल, बिल्कुल गलत है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल भी होती है। तीसरा है आपका प्लाज्मा, प्लाज्मा सेल हैव मोर प्लास्टिड्स व्हाइल एनिमल सेल हैव फ्यू प्लास्टिड, तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एनिमल सेल्स में प्लास्टिड नहीं होती, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। फिर है व्हेन रेजिंस, रेजिंस क्या होती है जानते हैं, क्या होती है रेजिंस, जानते हैं किशमिश का नाम सुने, यस मैम, हाँ किशमिश को रेजिंस कहते हैं, ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हैं। व्हेन रेजिंस आर कैप्ड इन प्लेन वाटर, प्लेन वाटर मतलब जिसमें आपने कुछ भी नहीं मिलाया, नो सॉल्यूट, नो सॉल्यूट, ठीक है, जिसमें सिर्फ पानी होता है, तो क्या होगा जब आप रेजिंस को प्लेन वाटर में रखेंगे तो क्या होगा, वाटर एंटर्स द रेजिंस बिकॉज रेजिंस डू नॉट हैव वाटर, वाटर कैन एंटर एनीवेयर, रेजिन कंटेन डाइल्यूट सॉल्यूशन इनसाइड और रेजिंस कंटेन कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन इनसाइड, क्या होगा, वाटर कैन एंटर एनीवेयर, ये किसने बताया, जल्दी नाम बताओ, सुमायरा ने, है ना बेटा, दोबारा पढ़ो, मैंने अभी पढ़ाया है, रेजिंस कैन कंटेन डाइल्यूट सॉल्यूशन, मैंने बताया एक बीकर में पानी लो, उसमें सेल डाल दो, अगर तो सेल, अगर तो पानी लेस कंसेंट्रेटेड हुआ, लेस कंसेंट्रेटेड हुआ एज कंपेयर टू सेल, तो क्या होगा, पानी अंदर जाएगा सेल के, सेल स्वेल कट जाएगा, यही हो रहा है यहाँ पर, कि जब रेजिंस को हमने प्लेन वाटर में रखा, प्लेन वाटर का मतलब क्या है, बहुत ही डाइल्यूटेड पानी है,
तो क्या हुआ, जो सेल है वो कंसेंट्रेटेड ज्यादा होगा, इसीलिए पानी अंदर जा रहा है। तो यानी मतलब क्या है कि रेजन्स कंटेन कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन इनसाइड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पढ़ के क्या करें, अभी सब चीजें पढ़ाई है। फिर है When did J.E. Purkinje coin the term protoplasm? ये भी अभी पढ़ाया है, कब की थी प्रोटोप्लाज्म? हाँ जल्दी बताइए। ऑप्शन ए 1839 में। ठीक है, व्हाट इज द शेप एंड साइज ऑफ द, कितने बच्चे आ गए? सुमायरा आर यू द ओनली वन? कहाँ है बाकी सब? मैसेज करिए, जल्दी ज्वाइन करें। यहाँ तो मुझे तीन बच्चे, मतलब अस्मा भी दिखा रहा है। कहाँ है बाकी? ओके हम करते हैं, बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे जी। तो व्हाट इज द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होता है साइज एंड शेप ऑफ द सेल? मैंने अभी बताया था जब मैं पढ़ा रही थी, जल्दी बताएं। ऑर्गेनिज्म की साइज से, सेल की वेट से, फंक्शन ऑफ द सेल से, या नंबर ऑफ द सेल से? जी थोड़ा जोर से बोलिए, बी लाउड। वेरी गुड, फंक्शन ऑफ द सेल्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ द सेल्स। फिर है डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब पता है ना आपको, जो काम बांट देते हैं। ठीक है, हमने देख, हम जानते हैं कि हर सेल का फंक्शन, हर सेल ऑर्गेनेल डिफरेंट फंक्शन कर रहा था, है ना? Yes, ma'am. तो इसमें क्या सही होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा? हाँ ऑप्शन डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो इन अ सिंगल सेल। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि एक सिंगल सेल के अंदर भी हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनेल डिफरेंट फंक्शन कर रहे होते हैं। विच ऑफ द बैक्टीरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट? कौन सा है? ऑस्मोसिस। बिल्कुल ठीक, आसान था ये। बाकी सब लोग कहाँ हैं बच्चों, पूछे अपने, मैसेज करें ग्रुप पे। ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स, क्या ये बात सही है कि ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स? बताइए। सही है भाई, क्या आपने भी सब, हमने जो पढ़ा है वो एक जनरल सेल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, ये बात सही है। फिर है ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन बिकॉज, क्यों है ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन? बिकॉज मोर वाटर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, मोर वाटर लीव्स द सेल देन दैट एंटर्स इट। ठीक है, है द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड, क्या है न्यूक्लियस की डबल लेयर्ड कवरिंग को क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड द क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स कंडेंस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू, डिवाइड होने से पहले क्रोमैटिन मटेरियल क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम्स। ठीक, बैक्टीरिया आर ए डैश टाइप ऑफ सेल्स, ये तो मैंने कई बार अभी नाम ले लिया इसका, बैक्टीरिया का कि किस टाइप का सेल है, जल्दी बताएं। प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, बिल्कुल। वायरसेस लैक एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, इट इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू, मैंने बताया था इसके पास मेम्ब्रेन्स वगैरह नहीं होती है। एनिमल सेल्स लैकिंग न्यूक्लियाई वुड ऑल्सो लैक इन, वो एनिमल सेल जिनके पास न्यूक्लियाई नहीं होगी और क्या चीज नहीं होगी उसके साथ साथ? क्रोमोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम या ईआर?
क्रोमोसोम को ही तो वो जगह देता है अपने अंदर, है ना। प्लाज्मोलाइसिस अकर्स ड्यू टू, बहुत ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा, हाँ प्लाज्मोलाइसिस बच्चे, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब है, लाइसिस का मतलब क्या होता है, टूटना, बर्स्ट कर जाना, ठीक है, बर्स्ट कर जाना भी होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस केस में बर्स्ट करेगी, कब करेगी, एंडोस्मोसिस का मतलब पानी का बाहर निकलना, एक्सोस्मोसिस का मतलब पानी का अंदर आना, किस केस में करेगी प्लाज्मोलाइसिस। हाँ डी डी, एक्सोस्मोसिस में बच्चे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कब हो रही है, जब एक्सोस्मोसिस पानी जब निकल रहा है ना, एंडोस्मोसिस का मतलब अंदर आना, एक्सोस्मोसिस का मतलब बाहर निकलना, ठीक है, जब पानी बाहर निकल रहा है ना तो वो आपका प्लाज्मोलाइसिस कर रहे हैं, मैंने बताया भी था अभी मैं जो पढ़ा रही थी आपको। अब प्लांट सेल जी, सॉरी मैम हम थे नहीं क्लास में तक। अच्छा बच्चे कोई बात नहीं। अ प्लांट सेल बिकम्स टर्जिड ड्यू टू, प्लांट सेल टर्जिड कब हो जाता है, टर्जिडिटी कब आ जाती है, टाइट कब होगा, एंडोस्मोसिस, एक सेकेंड पहले तो मुझे बताइए आप लोगों ने मैसेज किया अपने ग्रुप पर, आप लोगों ने मैसेज किया अपने ग्रुप पर। मैम ग्रुप अलग अलग हैं सबके। अच्छा तो मतलब सिर्फ आप ही दोनों हैं और कोई नहीं है। ये जो ग्रुप पे हम वो भेजते हैं, लिंक भेजते हैं, वो तो ग्रुप सेम होगा ना। हाँ क्या बता रहे थे बताइए, तो छोड़िए नहीं आ रहे तो छोड़िए। अ प्लांट सेल बिकम्स टर्जिड ड्यू टू, टर्जिड का मतलब क्या होता है, टाइट हो जाना, ठीक है, टाइट हो जाना, टर्जिड हो जाना, यही तो होता है, सख्त हो जाना, कब होगा, कब होगा, जब पानी बाहर निकलेगा या पानी जब अंदर आएगा, कब होगा, एक्सोस्मोसिस में तो पानी बाहर निकल रहा था, एंडोस्मोसिस में, एंडोस्मोसिस में क्या हो रहा है, आपकी आवाज खराब हो रही है। खैर इसका आंसर जो बच्चे वो एंडोस्मोसिस है, क्योंकि जब पानी अंदर आएगा तो सेल स्वेल अप कर जाएगा, स्वेल होने का मतलब क्या है, टर्जिडिटी आ जाएगी, तो टर्जिडिटी कब आ रही है, जब पानी अंदर आ रहा है, यानी एंडोस्मोसिस, ठीक है। फिर है सॉल्यूट कंसेंट्रेशन इज हायर इन द एक्सटर्नल सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होगा, जी सॉल्यूट कंसेंट्रेशन जब हायर हो जाती है, या फिर मैं ये कहूं कि हायर कंसेंट्रेशन हो जाती है बाहर की, तो क्या हो जाएगा उस सॉल्यूशन को, हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। जी ठीक है बिल्कुल। अ सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, श्रिंक। जी श्रिंक, श्रिंक हो जाएगा बिल्कुल ठीक है। द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सनलाइट इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी एंड इज स्टोर्ड एज एटीपी। हाँ लेकिन पता नहीं ये सवाल कहां से आ गया यहाँ पर, लेकिन चलिए। Which of the following organelle does not have membrane? इनमें से किन के पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऑप्शन ए, राइबोसोम के पास नहीं होती है, ठीक है। रूट हेयर एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू, बहुत आसान है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। यस मैम, ऑस्मोसिस।
द नंबर ऑफ लेंसेज इन कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम आपके होमवर्क के तौर पर तो दे सकते हैं। चलिए होमवर्क करके मैं भी कुछ आपको होमवर्क दूं, इसको नोट करिए, जरा नोट करिए अपने कॉपी में, कर लिया? वैसे कोई मुझे बता सकते हैं कितने सेल्स होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप में? मैम सुमायरा आपकी आवाज बहुत खराब आती है, पता नहीं क्यों आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है। बेटा आपकी बहुत आवाज खराब आ रही है, मुझे नहीं समझ में, कोई और बताए किसी को? आप लिख दीजिए, आप मैसेज लिख दीजिए, चलिए चैट चैट पे लिखिए, मैं भी तो सुनूं आप क्या कह रही हैं। जी किसी को पता है इस क्वेश्चन का जवाब? वैसे तो ये होमवर्क में रहेगा, इसको लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम। हाँ मैं कल पूछूंगी। सुमायरा क्या कह रही हैं आप? सुमायरा चैट में लिख दीजिए क्या कह रही हैं आप जल्दी से। किसी को नहीं पता कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंसेस होते हैं? देखा तो होगा मैम, 3 होते हैं शायद। हाँ 3 होते हैं, और 3 कौन कौन से होते हैं ये मैं कल आपसे पूछूंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। वेरी गुड सुमायरा, 3 होते हैं, बट आई विल आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो मैं कल आपसे पूछूंगी। चले द हिस्ट्री ऑफ द सेल बिगिन इन 1665, ये तो बहुत आसान है, कौन थे? सेल इंक्लूजंस आर नॉन लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, अनदर नेम ऑफ सेल ऑर्गेनेल, साइटोस्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ सेल, कंबाइंड नेम फॉर सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैसे इसका ऑप्शन ए है, ठीक है, सेल इंक्लूजंस का क्या है, ऑप्शन ए है, बट आई विल सी दिस क्वेश्चन, आई विल सी दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, मैं इसको एक बार और देखूंगी, ठीक है, आपको समझाने के लिए, कि मैंने सेल इंक्लूजन के जिक्र नाम नहीं लिया है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट, तो मैं इसको कल आपको दिखाऊं बताऊंगी, मुझे याद करवा दीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। ओके इट्स योर ड्यूटी अस्मा, ठीक है, क्या मुझे याद करवाएंगी कल? ओके सो विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल इज नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता? सुमायरा अपना माइक म्यूट कर लीजिए, आपकी में बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट पजिस अ डबल मेम्ब्रेन? क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, ठीक है, क्रिस्टियन ऑक्सीजोम्स आर एसोसिएटेड विद, आई एम सो शॉक्ड कितने माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजोम्स एंड क्रिस्टी आर एसोसिएटेड माइटोकॉन्ड्रिया, जी माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ ठीक है। सुमायरा प्लीज बेटा, आप पता है आपकी क्या प्रॉब्लम हो रही है? कैरियोथीका इज अनदर नेम फॉर कैरियो, से कैरियो का मतलब क्या होता है, कैरियो का मतलब क्या होता है मैम? न्यूक्लियस, 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 एंड थीका मींस लेयर, ठीक है, तो यहाँ किसकी बात आ रही है, लेयर, लेयर की बात हो रही है, तो कैरियोथीका यहाँ पर किसका नाम होना चाहिए? न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप, वेरी गुड। सेल ऑर्गेनेल दैट एक्ट्स एट सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल इज, वो सेल ऑर्गेनेल जो एक्ट करता है सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल इज,
सुमायरा बेटा प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा आपका। एक मिनट, एक सेकंड। हाँ, क्वेश्चन का आंसर करिए, आप लोगों को रुकने को नहीं कहा गया है। मैम न्यूक्लियस होगा शायद। अच्छा, और बताएं, किसने बताया ये जवाब किसका था? मैम आना। क्या नाम है? आना या एना? कहाँ है? और बच्चे सब सो गए। सुमायरा बेटा अपना माइक आप नहीं ऑन करिए क्योंकि आप चैट में कर दीजिए। ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। आपने क्या आंसर दिया है सुमायरा? बी। हाँ, और बताएं, अस्मा बताइए। मैम बी। बी और डी? अस्मा बी या डी? डी फॉर डॉग वाला डी क्या बेटा? जल्दी बताए, इस तरह से बात नहीं मनेगी। ओके, अस्मा ने लिखा है बी। और कोई? अस्मा ने बता दिया। देखिए बेटा, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का मतलब है कि कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जैसे कि जो पूरा नेटवर्क सा बना रहा हो। न्यूक्लियस ना एक कोने में होता है और वो कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप, ठीक है, ऐसा ही तो होता है। गॉल्जी एपरेटस जो होता है वो एक कोने में पड़ा हुआ होता है इस टाइप से। लेकिन अगर मैं बात जी सुमायरा, प्लीज टाइप योर क्वेश्चन, आई एम जस्ट नॉट एबल टू हियर व्हाट आर यू सेइंग, बस उसको टाइप कर दो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा मैंने बताया था न्यूक्लियस के साथ ही साथ एक चैनल सा बना रहा होता है कुछ इस तरीके से। अगर आप अपने डायग्राम में भी देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये चैनल सा बना रहा होता है या फ्रेमवर्क। तो ये क्या करता है, ये काफी पोर्शन ऑफ द सेल को ले लेता है अपने अंदर। हम यह कह सकते हैं कि जो सेल ऑर्गेनेल जो थोड़ा बहुत स्केलेटल फ्रेमवर्क सपोर्ट कर रहा है ना, वो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है? कौन करता है? ओके, वेरी गुड सुमायरा, इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, समझ में आई? यस मैम। ओके, हाँ, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन, ये तो बहुत आसान है मैम, प्लांट सेल्स। मैम प्लांट सेल्स ओनली, प्लांट सेल्स ओनली। सेल ऑफ प्लांट इज चीफली कंपोज्ड ऑफ, चीफली सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। इंटरसेल्युलर कनेक्शंस ऑफ प्लांट सेल्स आर कॉल्ड मैम मिडिल लैमेला। इंटरसेल्युलर कनेक्शंस ऑफ प्लांट सेल, इंटरसेल यानी एक ये सेल है। मैं प्लाज्मोडेस्माटा। ओके ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, प्लाज्मोडेस्माटा ये जो होती है ना बेटा, ये एक सेल वॉल है, ये एक सेल वॉल है, काम गया? हाँ, इसको हम बीच में जो ये आती है ना, इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ये जोड़ देती है, ठीक है, ठीक है। जीन्स आर लोकेटेड ऑन, चले तो बहुत सिंपल है, क्रोमोसोम्स, ठीक है। सेल्स विच डिवाइड, सेल्स विच डिवाइड, विच इज डिवाइडेड बाय मियोसिस आर, मैंने अभी बताया था जस्ट नाउ, मतलब पढ़ाते वक्त। सेल्स विच इज डिवाइडेड बाय मियोसिस, मियोसिस किसमें हो रहा था? रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन में कौन से सेल पार्टिसिपेट करते हैं? स्पर्म होता, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज, फंक्शनल यूनिट मैम डीएनए। वेरी गुड, नेवर गेट कंफ्यूज्ड विद आरएनए, ठीक है। ओके सुमायरा, यू आर राइट। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन वन सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग, कम ऑन, दिस इज वेरी इजी मैम, 46, 46, बहुत इजी था। क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिन्स आर अटैच्ड विद, ये मैंने पढ़ाया नहीं है ना, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिन्स आर अटैच्ड विद मैम सेंट्रोमियर या सेंट्रोसोम में से होता है बेटा, सेंट्रोमियर, ठीक है। यस मैम,
आई विल टेल यू, अच्छा चलिए बता देती हूँ, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम समझ में आ रहे हैं, यहाँ इसके बीच में ना एक डिस्क मौजूद होती है। अब आपने देखा है कुछ सेल्स को, मैंने कुछ सेल्स ऐसे करके बने हुए थे, इनका एक क्रोमोसोम था, एक क्रोमोसोम था, कुछ सेल इस फॉर्म में बने हुए थे, मगर मैं इन दोनों को ही क्रोमोसोम कह रही हूँ, कह रही थी ना? यस मैम। हाँ, अगर मैं इन दोनों क्रोमोसोम को, ये की बेटा ये जो है ना, ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक एक क्रोमोसोम है, लेकिन इस क्रोमोसोम की इस वाली स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड, वेरी गुड, इनको हम सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। ये सिस्टर क्रोमैटिड जो एक से जुड़ी हुई होती है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोसोम क्या होता है, ये इस टाइप का एक बना हुआ होता है, इस टाइप का बना हुआ होता है कुछ, ठीक है, ये कब कब काम में आता है, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, ये दरअसल क्रोमोसोम्स के साथ अटैच करता है, इनको हम बोलते हैं, ये इस टाइप के इसमें होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। यानी सेंट्रोसोम कब काम में आता है, बस इतना याद रख लीजिए, सेल डिविजन के लिए, कब आते हैं काम में, सेल डिविजन। और सेंट्रोमियर क्या होती है, ये एक डिस्क होती है, डिस्क होती है एक तरह की, जो क्या करती है, सिस्टर क्रोमैटिड को आपस में चिपकाए रखती है, ठीक है, चिपकाए रखती है, ये सिस्टर क्रोमैटिड को जो चिपकाती है, इसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। और यही जब सिस्टर क्रोमैटिड एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन सेपरेट हो रही होती है, तो वहां पर कौन सा चीज एक्शन में हो रही होती है, सेंट्रोसोम, ठीक है। यस मैम। ओके, वेरी गुड। फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल इज, सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है मैम, सेल डिवीजन। वेरी गुड, ठीक है ना, क्या है, लेकिन एक और चीज है, सेंट्रियोल क्या कर रहा है, सेल डिवीजन इनिशिएशन कर रहे हैं, या सेल डिवीजन या फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर कर रहे हैं, अब कौन बताएगा, फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल डिवीजन ही कर रहा है। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है कि सेंट्रियोल जो है वो सेल डिवीजन कर रहा है, लेकिन ये जो सेंट्रियोल बना, ये जो मैंने बनाया था ना, ये एक ऐसा करके आपकी बुक में भी बना हुआ होगा, ध्यान से देखिएगा, सेल जहां सेल ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो इसको हम बेसिकली बेटा, बेसिकली इसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। ये सब किसके पार्ट है, सेंट्रोसोम के पार्ट है, किसके पार्ट है, किसके पार्ट है, सेंट्रोसोम के पार्ट है। ये सेंट्रियोल किसका पार्ट है, सेंट्रोसोम का पार्ट है, ठीक है। ये सेंट्रियोल क्या करता है, स्पिंडल फाइबर्स निकालता है, ये स्पिंडल फाइबर्स आपके जाकर अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के साथ। तो बेसिकली सेंट्रोल का फंक्शन यहाँ पर क्या आ गया, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, हालांकि सेल डिवीजन में ही ये काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज हम यहाँ कह सकते हैं कि ये फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स कर रहा है, ठीक है, समझ में आई? यस मैम। ओके, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल इज, ये तो अभी हमने करा था, सेल्यूलोज। हाँ, यस मैम, ओके। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड मैंने बताया था प्रोटीन, हाँ मैंने बताया था फोल्डिंग का, हैंगर किस चीज के काम में आता है, हम प्रोटीन्स, वेरी गुड। प्लास्टिड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर्स टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर मैम, क्रोमोप्लास्ट। वेरी गुड, जी बिल्कुल। विच ऑर्गेनेल इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, एवरीबॉडी नोज दैट, माइटोकॉन्ड्रिया। यस, नेवर एवर फॉरगेट दैट, ठीक है, कहाँ गया मेरा कर्सर, ओके। ऑर्गेनेल विच इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन चीक सेल इज, प्लास्टिड। वेरी गुड, हमेशा याद रखिए, तो घुमा के सवाल देते हैं, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में होगा, ठीक है, ओके, थैंक यू। अब कल से हम अपनी नई क्लास स्टार्ट करेंगे, होमवर्क कर लीजिएगा, जो एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, एंड द रेस्ट विल सी टुमारो, ओके, थैंक यू। मैम कल से क्या करवाएंगे आप, कल हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे,
ठीक है, ओके, थैंक यू। क्या है? 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10।